दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है, आपको दिल्ली का नेता बनना है। जी हाँ, आपको बताया चले कि कल देर रात राज्यसभा से दिल्ली अध्यादेश बिल पास होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बताया चले कि मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है, लेकिन आपको दिल्ली का नेता बनना है। 2014 चुनाव में कहा था आपने, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दूंगा, मुझे पीएम बना दो। आज दिल्ली को धोखा दिया, आपको दिल्ली में लोग एक भी लोकसभा की सीट नहीं देंगे। अब आइए सुनिए क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए, आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए, और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की, जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके, फिर भी बिना शक्तियों के हमने काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो, दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए। हम दिल्ली वाले दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों से नफरत करती है, दिल्ली वालों से नफरत करती है। इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देंगे लोकसभा में, एक भी सीट नहीं देंगे।